मेरा ड्रीम था, क्योंकि मेरे फादर फोर्सेस में थे तो मुझे भी था कि मैं फोर्सेस में आऊँ और आगे मुल्क को सर्व करूँ। तो आपको वॉल क्लाइंबिंग में गोल्ड मेडल भी तो मिला है ना, कभी जहन में आया चढ़ते चढ़ते अचानक जहन में आ गया हो ये मैं चढ़ते चढ़ते एक मिनट नीचे देखा हो, बिल्कुल ऐसे हुआ? वो जो कंपटीशन विन किया था उसमें फिर आपने किस तरह से पार्टिसिपेट किया उसका हमें थोड़ा बताया ना, कंपटीशन का। इवन जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे हम लोगों की शोल्डर्स में इंतहा का पेन होता है क्योंकि सारा बॉडी वेट आपको यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है जब क्लाइंबिंग कर रहे होते हो। कि जो लड़की जॉब कर रही होती है और जो लड़की घर में अपना बेबी भी संभाल रही है, अपने हस्बैंड को भी टाइम दे रही है, इन लॉज को भी टाइम दे रही है और फिर जॉब भी कर रही है और एथलीट भी है और इसके बाद वो कुकिंग भी करे, ये तो इम्पॉसिबल। हमें तो पता तब चलेगा ना जब हमारे लिए कुछ बना कर लेकर आएंगे। जी आप जब कहें। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट रिमशा अवान और मैं हूँ मोहम्मद फाइक। इस दुआ के साथ कि खुदा अपनी रहमत बेपाया से आपका दामन उम्मीद भर दे और इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरे। जी नाज़रीन, आज जो हमारे शो में गेस्ट मौजूद हैं पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में जॉब कर रही हैं, मेरी कुलीग भी हैं और मैं आपको बताती चलूँ कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में जहाँ पर मर्द जो काम करते हैं, मर्द हजरात दिन रात काम करते हैं, वहाँ पर औरतें जो हैं, गर्ल्स जो हैं और लेडीज़ जो हैं, वो मदर भी हैं, वो वाइफ भी हैं और वो हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपने साथ उठाकर 24/7 आपकी हिफाजत कर रही होती हैं। और आज ऐसे ही मेरी दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं जिससे मैं आपको तारीफ़ करवाऊंगी और इनकी जो है खूबी और उनमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ ये है कि वो एथलीट भी हैं। तो उनसे पूछते हैं वो किस तरह के गेम्स खेल लेती हैं, क्या क्या खेल लेती हैं। तो आइए हम उन्हें शो में वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाइस्ता। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। शाइस्ता, आपको खेलते खेलते ये ख्याल कैसे आया कि बाय प्रोफेशन एक पुलिस ऑफिसर बने आप? ये मेरा ड्रीम था, क्योंकि मेरे फादर फोर्सेस में थे तो मुझे भी था कि मैं फोर्सेस में आऊँ और आगे मुल्क को सर्व करूँ, तो इसलिए फिर मैंने पुलिस को ज्वाइन कर लिया। अच्छा, फादर की जब इंतकाल हुआ तब आपकी एज क्या थी? 14 इयर्स। अच्छा, तो कभी बचपन में देखती थी, कभी उनका यूनिफॉर्म पहन के ट्राई करती थी? बिल्कुल ऐसे ही था उनका यूनिफॉर्म, माशाल्लाह बहुत ग्रेसफुल थे, माशाल्लाह उनकी हाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। अच्छा, इसलिए आपकी हाइट जीन्स में है, आपकी भी माशाल्लाह हाइट बहुत लंबी है। मेरे पापा की हाइट बहुत लंबी थी, फजीक उनकी बहुत अच्छी थी। यूनिफॉर्म पहनते थे तो पता चलता था यार जा रहा है, पर्सनैलिटी थी उनकी एक अपनी। तो इसी तरह फिर मुझे भी था, मेरे ड्रीम्स में था यार मैं भी एक दिन इसी तरह इंशाल्लाह सर्व करूंगी, वही कैप इस तरह से पहनूंगी। अच्छा। और ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन फिर साथ स्टडी में बिजी हो गई और अपॉर्चुनिटीज आती गई और जैसे ये अपॉर्चुनिटी आई मैंने इसको अवेल करना पसंद किया और मैंने अवेल किया अल्हम्दुलिल्लाह। कभी फैमिली ने ये नहीं कहा कि बड़ी, क्योंकि आपके फादर को भी उन्होंने देखा था बड़ी टफ जॉब उन्होंने की होगी, तो आपको मना नहीं किया कि मत? बिल्कुल था, बहुत था। मेरे इवन सम कज़न थे मेरे कुछ जो फोर्सेज में थे ऑलरेडी, वो मुझे कहते थे कि भाई नहीं, इट्स नॉट फॉर गर्ल्स, तुम नहीं जा सकती, यहाँ पे ड्यूटीज लगती हैं, 24/7 होता है, 2-3 दिन घर से बाहर रहना पड़ता है, तुम कैसे करोगी? और नेगेटिव इमेज काफ़ी क्रिएट किया गया मेरे माइंड में कि ये चीज़ अच्छी नहीं है तो आप नहीं जा सकते हो। बट मुझे था कि मैं कर लूँगी, पैशन था कि आपने जाना, पैशन था और मुझे था कि कोई चीज़ मुझे रोक नहीं सकती किसी चीज़ से। कोई भी मेरी चीज़ सामने आए ना तो आई कैन फेस, मैं उसको फेस कर सकती हूँ, उसको डिस्ट्रॉय करके, यानी कि मुझे कोई तंग नहीं कर सकता। कभी वाकई फील हुआ, मतलब कभी? नहीं, जो मेरा है डिपार्टमेंट वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेफ है। अच्छा, इससे पहले क्या जॉब करती थी? उससे पहले मैं एजुकेटर सेक्टर में थी। अच्छा, तो एजुकेशन से पुलिस की तरफ आते हुए तो फिर शायद ने भी बताया कि जिनकी एजुकेशन की जॉब थी उसमें ये इससे ज्यादा अर्न कर रहे हैं इस जॉब से, लेकिन इनका पैशन था, उन्होंने उस जो सैलरी को स्किप करके कम सैलरी पे यहाँ पे ज्वाइन किया। क्योंकि मेरा पैशन था कि मैं अपने बाबा की फील्ड पे चलूँ, क्योंकि उनको मैं यूनिफॉर्म में देखती थी, मैं कहती मैंने भी यूनिफॉर्म, मेरे पास भी पिस्टल हो, यानी कि उनके पास होती थी वो यहाँ पे सेट करते थे, मैं कहती हाँ यार मेरे पास वो बेल्ट होनी चाहिए, उसमें पिस्टल होनी चाहिए और यार फोर्सफुल। शायद आप एथलीट भी हैं, तो एथलीट में कौन सी कैटेगरी का खेल है जो आप खेलती हैं? मुझे स्पोर्ट्स का शौक बचपन से ही था। अच्छा। यानी कि मैं ये जो होता है गुड़ियों से खेलना, ये कुछ ऐसा करना, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा अच्छा। मैं शुरू से ही फुटबॉल खेलना, बैट बॉल खेलना, बॉयज के साथ खेलती थी, भाइयों के साथ खेलती होती थी, साइकिलिंग करना, रनिंग करना, स्कूल में भी ऐसे कॉम्पिटिशन होते थे उसमें भी ऐसे पार्टिसिपेट करती रहती थी। तो आपको वॉल क्लाइंबिंग में गोल्ड मेडल भी तो मिला है ना, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। हमारे DSP इमरान साहब थे यहाँ पे, उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं या कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग वर्क में इतना बिजी होते हैं नहीं जा सकते। उन्होंने फिर हम सबको देखा, कुछ लोगों को इकट्ठा किया, एक टीम बनाई, कुछ सब इंस्पेक्टर्स थे, कुछ हम पीसीओस थे और कुछ डीएसपीस भी थे। तो हमारी एक पूरी एक टीम बन गई। तो हम उसके लिए उन्होंने बॉल कैनिंग की में प्रैक्टिस करवाते थे, हमें नोट्स बनाना सिखाते थे, तो हमें रॉप दे देते थे। क्लाइंबिंग करती डर नहीं लगता आपको इतनी हाइट? और हाइट फोबिया तो बहुत, हाइट फोबिया स्टार्ट में था, पांव फिसलने का खतरा होता है और बहुत सारी खतरात लहक होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन सेफ्टी मेजर्स बहुत ज्यादा होते हैं वहाँ पे ना। जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब सेफ्टी मेजर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और हाइट फोबिया तो हर किसी को स्टार्ट हो भी, तो फिर भी इंसान के दिल में खौफ होता है कि यार अगर मैं गिर गया तो क्या बनेगा मेरे साथ। बिल्कुल कभी जहन में आया चढ़ते चढ़ते अचानक जहन में आ गया हो ये मैं चढ़ते एक मिनट नीचे देखा हो? बिल्कुल ऐसे ही है, जी जी बिल्कुल ऐसे ही था। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तब तो ऐसा बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता था कि हम लोग डर जाते थे। इवन हम लोग आधी यानी कि दीवार पर चढ़े होते थे, हम डर जाते थे, हम छोड़ देते थे अपने आप को। अच्छा। और वो सेफ्टी मेजर्स की वजह से हम लोग सेफली नीचे आते थे। लेकिन जब आपके माइंड में होता है ना यू आर सेफ, तो आप कर लेते हो, ठीक है। लेकिन अगर रिस्क होता है ना कि यार शायद मैं गिर जाऊंगा तो बचूंगा नहीं, लेकिन अगर तो बच जाना है, मैं कर सकता हूँ। वो जो कंपटीशन विन किया था उसमें फिर आपने किस तरह से पार्टिसिपेट किया, उसका हमें थोड़ा बताइए ना। कंपटीशन का कंपटीशन कितने लोग थे? हम लोग काफ़ी सारी गर्ल्स भी थी ऑफिस से और कुछ बॉयज़ भी थे, और इवन कुछ ऐसे लोग थे जो पहले इस फील्ड से रिलेट करते थे। अच्छा अच्छा, प्रोफेशनल वो, हाँ प्रोफेशनल थे सब। फिर हम लोगों ने कंपटीशन हुआ हमारा, एक कंप्लीट कंपटीशन जिसे कह सकते हो आप। हाँ फिर हम लोगों का इस तरह मेरे अलहमदुलिल्लाह पता नहीं अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली प्रैक्टिस थी, थोड़ी अच्छी थी, करने का जज्बा होता है, फिर आप कर लेते हो। इवन जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे हम लोगों की शोल्डर्स में इंतहा का पेन होता है क्योंकि सारा बॉडी वेट आपको यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है जब क्लाइंबिंग कर रहे होते हो, और ये चीज़ आपको बहुत पेनफुल होती है। अच्छा शायस्ता, आपने कुकिंग कंपटीशन भी जीता है। आम अमूमी तौर पर ये तसव्वुर किया जाता है, या मैंने भी देखा है, या मैं खुद एक्सपीरियंस खुद से भी करती हूँ कि जो लड़की जॉब कर रही होती है और जो लड़की घर में अपना बेबी भी संभाल रही है, अपने हस्बैंड को भी टाइम दे रही है, इन लॉज को भी टाइम दे रही है, और फिर जॉब भी कर रही है और एथलीट भी है, और इसके बाद वो कुकिंग भी करे, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपने कुकिंग कंपटीशन भी विन किया है, ये बताइए आप कुकिंग भी कर लेती हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छी करती हूँ, मैं अपनी पूरी फैमिली में मशहूर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कंपटीशन विन किया है? जी जी बिल्कुल। तो हमें तो पता तब चलेगा ना जब हमारे लिए कुछ बना कर लेकर आएंगे। जी आप जब कहें, ऑल द टाइम रेडी, अभी कहें अभी बना देंगे, फिर हम उसके डिसाइड करेंगे कि आप अभी से उल्लू बनाएं आप। अभी से इतना कॉन्फिडेंस है, अभी आप कहेंगे तो आपको बेस्ट चीज़ मिलेगी। सबसे अच्छा क्या बनाती हैं आप? मैं बेकिंग अच्छी कर लेती हूँ, केक बहुत अच्छे बेक करती हूँ। उसके अलावा जो मैंने कंपटीशन जीता था उसमें था बिरयानी कंपटीशन था। अच्छा, बिरयानी। और ऐसे था कि जब हम लोग यूनिवर्सिटी में था हमारा ना, तो ओपन एयर था, तो हम लोगों को आँच का देखना पड़ा, हवा चलती थी, गैस बंद हो जाती थी हमारी, हमारा चूल्हा बंद हो जाता था। अच्छा अच्छा। फिर लेकिन वो ये था कि हो गया, काफी सारे लोग बस हो जाता है, आप करती हो जाता है, हो गया ठीक है। तो अच्छा, लड़कियों के हाथ में वैसे ही अल्लाह ताला ने बड़ी महारत रखी है कि वो चीजों को हाथ लगाए तो वो बिल्कुल सेटल डाउन हो जाती है। हर लड़की के हाथ में नहीं। शायस्ता ये मुझे बताएं कि आप एक आईटी इंजीनियर भी हैं, तो एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा आपका, कैसी थी आप एजुकेशन में, लाइक थी या ना लाइक थी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी। और मेरे बैकग्राउंड में ये है कि मैंने एजुकेशन जितनी भी हासिल की अपनी अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप पे की है। अच्छा, तो बड़े लाइक थी आप। फिर लाइक का वर्ड तो दूर दूर तक नहीं है, लाइक से भी लाइक हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप पे रही हूं मैं हमेशा। और इंशाल्लाह लोग मुझे भी कहते हैं, तो घर से फिर आप फीस ले लेती थी, वो आप खा लेती थी, ऐसे होता है? पता था स्कॉलरशिप पढ़ती हूं। अच्छा अच्छा, उन्हें भी पता था क्योंकि स्पोर्ट्स के उससे स्कॉलरशिप मिल जाता है आपको, एज भी मिल जाता था। और जब स्कूल्स में थी, स्कूल में 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, हमारा ना कॉलेज में था कि मेरिट था कि भाई आपके इतने ग्रेड होंगे ना तो आपको फ्री स्कॉलरशिप, 100% स्कॉलरशिप। हम लोग वाले सब जानते हैं इस चीज़ को, तो फिर वो इस तरह से मेरे स्कॉलरशिप पर फ्री एजुकेशन। जी बिल्कुल, 10 फी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया और नाज़रीन ने देखने का मौका भी मिला कि एक लड़की जो है वो कैसे जो है मल्टीपल टास्क जो है वो एक ही वक्त में, मल्टी टैलेंटेड, वो घर भी संभाल रही हैं, खेलों में भी पार्टिसिपेट करती हैं, इसके अलावा जो खाना बनाना है वो भी करती हैं, अपने बच्चे को भी पालती हैं, बहुत सारे काम करती हैं। तो ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं। इसी बात के साथ हमें दीजिए इजाज़त, नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आप लोगों ने हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है, और इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और ट्विटर पर भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, सेफ रहें सेफ सिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।